सो यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2021 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन व्हाट मैनर इज अ लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस इज रिलेटेड विद परपेचुएशन ऑफ सोशल क्लास इन द सोसाइटी, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया कि कैसे जो है लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस, मतलब हमारा लैंग्वेज जो है वो हमारे सोसाइटी पे जो है वो इम्पैक्ट डालता है, कैसे वो जो है एक मतलब डिस्टिंक्शन जो है वो क्रिएट कर देती है डिफरेंट सोशल क्लास के बीच में। ठीक है, इसको हम लोग एक एग्जांपल से भी समझेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि लैंग्वेज के बारे में इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर रिलेशन को सो नहीं कर रहे, बेसिकली हम लोग लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं कि लैंग्वेज क्या है यहाँ पे, कैसे वो इम्पॉर्टेंट है, कैसे वो एक दूसरे से रिलेटेड है, हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पे से यहाँ बताया है कि लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी में, एक दूसरे को लोगों को कनेक्ट करता है यहाँ पे, म्यूचुअल इंट्रैक्शंस और म्यूचुअल अवेयरनेस का ये काम करता है यहाँ पे। लैंग्वेज जो है पीपल टू पीपल, कल्चर से कल्चर जो है वो कनेक्ट करता है यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग लेंगे जैसे कि हम लोग बिहारी है यहाँ पे, तो हमारा जो लैंग्वेज है वो मैथिली है। ठीक है, यहाँ पे या फिर बोल सकते हैं भोजपुरी है। तो क्या है कि ये जो लैंग्वेज है ना हम लोगों को कनेक्ट करता है, जब हम लोग अपने ही लैंग्वेज में दूसरे लोगों से बात करते हैं ना तो वो अलग मज़ा आता है यहाँ पे। तो क्या करता है यहाँ पे, एक इंट्रैक्शंस को शो करता है, दो लोग जब आपस में बात करते हैं अपनापन वाला फीलिंग आता है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि एक म्यूचुअल इंट्रैक्शन और अवेयरनेस का काम करता है, पीपल से पीपल को कनेक्ट करता है, कल्चर से कल्चर्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, मतलब एक क्या है ये इंट्रेंसिक रिलेशनशिप शो करता है यहाँ पे सोसाइटी में हमारा लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज को हम लोग कोई मामूली चीज़ तो है नहीं, बेसिकली जब एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है, इंडिविजुअल्स को इंडिविजुअल से कनेक्ट कर रहा है, पीपल को पीपल से कनेक्ट कर रहा है, मतलब क्या है यहाँ पे ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन्स है। ठीक है, जो कि सोशल इंट्रैक्शंस के लिए यूज़ हो रहा है, ये कोई न्यूट्रल तो है नहीं, ये क्या कर रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इंटरविंग कर रहा है यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर्स और यहाँ पे पावरफुल डायनामिक को। बेसिकली हम लोग सिंपल इतना समझ सकते हैं यहाँ पे कि जैसे कि हर लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज का क्या होता है कि अपना अपना खुद का वर्ड है। ठीक है, चॉइस है, ग्रामर्स है, प्रोनाउंसिएशंस है, नॉन वर्बल्स क्लूज है, तो अपना अपना हर किसी, जैसे एग्जाम इंग्लिश का अपना खुद का ग्रामर है, हिंदी का अपना खुद का ग्रामर है। ठीक है, तो अपना अपना सबका ग्रामर होता है, अपना अपना वर्ड सेंस होता है यहाँ पे, जो कि जो लोग उसको बोलते हैं उस लोगों से वो दूसरे लोगों को क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। बेसिकली अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि कैसे जो है वो लैंग्वेज सोशल डिस्टिंक्शन क्रिएट करती है यहाँ पे सोसाइटी में, और कैसे जो है कोई भी लैंग्वेज जो है हमारी सोसाइटी में सोशल क्लास को क्रिएट कर देती है। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी इमेजिन करेंगे हम लोग सीन कि यहाँ पे कोई भी दो इंडिविजुअल्स है, ठीक, एक सीता है और सॉरी एक अजय है और एक गीता है, दोनों जो है डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करती है। क्लासेस का मतलब क्या हो गया कि अलग अलग फैमिली से बिलोंग कर रही, जैसे कोई अपर क्लास है कोई लोअर क्लास है। यहाँ पे अपर क्लास हम लोग मान लें गीता को और अजय को मान लें कि वो लोअर क्लास जो है फैमिली से बिलोंग करती है। बेसिकली ये दोनों क्या करती है, एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है। ठीक है, जब अजय अपना इंटरव्यू देता है ना तो जो वोकैब यूज़ करता है, जो उसका स्पीच पैटर्न रहता है ना, वो चीज़ ये रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे कि वो एक लोअर क्लास अपब्रिंगिंग से बिलोंग कर रहा है, वो लोअर क्लास से बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ शो कर देगा यहाँ पे कि जो अपना जब रीजनल डायलेक्ट यूज़ करेगा तो इंटरव्यू क्लियर नो, ये प्रोफेशनल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये प्रोफेशनल और प्रेस्टिजियस लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर रहा है, ये अपना भी घरेलू लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है। तो इंटरव्यूअर क्या करेगा, इसका जो मतलब नॉलेज है ना उसको एक साइड में कहीं ना कहीं तो रखेगा, और यहाँ पे जो इसके मतलब बिहेवियर से, मतलब इसके जो वे ऑफ स्पीकिंग है, फ्लुएंसीज है, उसके आधार पर इसको जज करना शुरू कर देगा, और यहीं से क्या होगा कि बाइसनेस और डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस में। ठीक है, जो उसका एक मतलब गांव वाले भाषा आ जाएगी, रीजनल लैंग्वेज उसके जो ट्यून में आ जाएगा ना, तो उससे हम लोग को पता चल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हमें लोग कभी कुछ भी वर्ड बोलते हैं ऐसे इंग्लिश में, तो हमारा पता चल जाता है कि हमारा ओरिजिन क्या है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग को पता चल जाता है कि नहीं हम लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं, और वो जो है हमारे लैंग्वेज वाला जो अपनापन है ना वो उसमें चीज़ में इंट्रोड्यूस होने लगता है। उसी तरह यहाँ पर भी क्या, जब अजय इंटरव्यू देने के लिए जाएगा तो रीजनल डायलेक्ट जो है उसमें यूज़ होने लगेगा, मतलब वो उसका परछाई आने लगेगा कि यहाँ पे हाँ वो इस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, चूँकि प्रेस्टिजियस उतना उसका लैंग्वेज नहीं है, उतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, तो यहाँ से इंटरव्यू क्या करेगा, यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन शुरू कर देगा, और इस बेचारा अजय का क्या होगा, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, परफॉर्मेंस पर उसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगा।
ऑन दी अदर हैंड जब गीता जब जाएगी इंटरव्यू देने के लिए, तो अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, तो उसका जो लैंग्वेज है वो स्टार्टिंग से, उसका सोशलाइजेशन जो है स्टार्टिंग से उसी लैंग्वेज में हुआ है, तो वो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो उसका एक लैंग्वेज जो आएगा निकल के, वो बहुत ही प्रेस्टिजियस फॉर्म का निकल के आएगा, तो जैसे कि जो ग्रामर यूज़ करेगी, जो वर्ड यूज़ करेगी, वो क्या रहेगा, वो डिफरेंट रहेगा। सो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि जो गीता है ना, वो बहुत ज़्यादा क्लियर वाला वर्ड यूज़ करेगी, जैसे कि वोकैब ये सब जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो ये शो करेगा यहाँ पे कि इसका जो लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस है ना, वो कहीं ना कहीं जो वो एडुकेट वाला लीडिंग वाला फीलिंग आएगा यहाँ पे, जिसके कारण कि क्या होगा, उसको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा इन कंपेरिजन टू अजय, ठीक है। ऐसा कंपटीशन जो है वो इजी हो जाएगा। तो हम लोग इस एग्जांपल से क्या समझ रहे हैं, तो इस एग्जांपल से हम लोग इतना ही समझ रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस है ना, वो लिंक करता है हमारे सोशल क्लास डिफरेंसेस को, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, बेचारा अजय के पास भी इक्वल नॉलेज ही था इन कंपैरिजन टू द गीता, बट यहाँ पे क्या हुआ कि अजय के परफॉर्मेंस पे तो इम्पैक्ट पड़ा ना उसके लैंग्वेज के हिसाब से। सो यहाँ पे क्या हुआ कि एक दूसरे से भी यहाँ पे क्या हुआ कि हिंडर हुआ परफॉर्मेंस अजय का यहाँ पे, क्यों, तो वो रीजनल डायलेक्ट आ जाने के कारण। तो हम लोग यहाँ पे इस एग्जांपल से ये समझ सकते हैं कि लैंग्वेज जो है वो कैसे परपेचुएट कर रहा है हमारे सोशल क्लास डिफरेंसेस को, कैसे हमारे सोशल क्लास परफॉर्मेंस को यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस शुड नॉट बी इक्वेट with the intelligence or competence. However, societal bias and perceptions often lead to reinforcement of social class division through language, creating barriers for individuals from lower class and perpetuating inequality. मतलब क्या है यहाँ पे कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ करना है कि लैंग्वेज जो है वो कभी भी किसी को भी ये चीज़ नहीं बोल सकता, मतलब इक्वेट नहीं कर सकता यहाँ पे किसी का भी इंटेलिजेंस और कॉम्पिटेंस। बहुत सारा ऐसा भी बच्चा होता है, से फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें कि हाल ही में न्यूज़ में आ रहा था कि हम लोग का जो भी जैसे आईटी सेक्टर है, ये सबका जो लैंग्वेज है ना, वो हमारा खुद का रीजनल लैंग्वेज कर देना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर हम रीजनल लैंग्वेज कर देते हैं तो बच्चे को जो है उस सारे चीज़ों में वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो उस चीज़ का एक्सपेरिमेंटल इनोवेशन चीज़ को वो अच्छे से समझ देंगे क्योंकि उनके लैंग्वेज में होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ऐसा नहीं हुआ है अभी तक, और जैसे जिस दिन ये फोर्स में आ जाएगा, जो डिस्क्रिमिनेशन है ना वो ख़त्म हो जाएगा, बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं, जो कि क्या करता है ना, हमारे इंटेलिजेंस पर भी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल देता है हमारे लैंग्वेज, एक सोशल बायस क्रिएट कर देता है यहाँ पे, एक बैरियर क्रिएट कर देता है यहाँ पे उन लोगों के लिए जिसका जो है रीजनल डायलेक्ट आ जाता है उसके लैंग्वेज में, उसके परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ जाता है, ठीक है। तो हम लोग कंक्लूजन्स में यहाँ पे ओवरऑल ये चीज़ डाल सकते हैं कि जो हमारा लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा जो है डीपली इंटरलिंक्ड है, इंटरविंक्ड है हमारे सोशल क्लास परपेचुएशन से, ठीक है। बाय अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग द बायसनेस एसोसिएटेड विद लैंग्वेज, वी वर्क टूवर्ड्स अ मोर इंक्लूसिवली सोसाइटी, दस वैल्यू डाइवर्स लिंग्विस्टिक ब्रॉड बैकग्राउंड एंड प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल सोशल क्लासेस। मतलब क्या, यहाँ पे हम लोगों को लैंग्वेज को बैरियर नहीं बनना चाहिए, बनने देना चाहिए, हम लोग इस पर वर्क करना है यहाँ पे, ताकि हम लोग इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर सके हर एक सोशल क्लास का, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, सो कंक्लूजन देख के इस क्वेश्चन का यहाँ पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप लोगों को और कौन सा टॉपिक पे चाहिए। हालांकि हम सारा क्वेश्चंस को कवर करेंगे एक एक करके, इग्नू का, 2021 का, फिर 20 का, फिर 19 का, फिर 18 का, इस तरह के हम लोग 5 साल का क्वेश्चन कवर करेंगे ताकि एग्जाम में हम लोग को प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन को डील करने में। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।